So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. So first of all, thanks to each and every one of you for wishing me on my birthday yesterday. तो मैं से बहुत सारे काफी सारे students ने मेरे को Instagram पर, YouTube पर wish किया था. So thanks a lot to each and everyone. Now जैसे कि तुमने इस video के title में देखा, this is a very important video और हम कुछ school reopening के regarding कुछ important news है जिसको लेकर हम आज इस video में discuss करने वाले. तो important video है, video को end तक जरूर देखना. So let us begin with the video. सो एज यू ऑल नो कि वेस्ट बंगाल में इट हैज़ बीन अराउंड 20 मंथ्स, अराउंड 2 ईयर्स होने वाला है अभी तक वेस्ट बंगाल में स्कूल्स रीओपन नहीं हुआ है. यस्टरडे ओनली द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल शी हैज़ अनाउंस्ड, ममता बनर्जी, शी हैज़ अनाउंस्ड दैट द स्कूल्स आर गोइंग टू रीओपन इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम नवंबर 16th. सो 16th ऑफ नवंबर से आफ्टर योर काली पूजा, दिवाली एंड देन छठ पूजा एंड ऑल द स्कूल्स विल रीओपन आफ्टर दैट 16th ऑफ नवंबर. पहले 15th था, अगेन 15th को देर इज सम हॉलीडे. So because of that reason, 16th of November से schools might reopen in West Bengal. So now there are chances of reopening of schools here in West Bengal. इसके साथ साथ अभी जो है एक petition चल रहा है, तुम्हें पता होगा मैंने last video में तुम्हें inform किया था regarding that petition. जितने भी ICSE, IAS and CBSE के students हैं, सारे students they are demanding the cancellation, either the cancellation of the board exams or to conduct the board exams, that is your semester 1 or so-called term 1 board exams online. So, मैंने जब तुम्हें उस petition के regarding inform किया था, so around 36,000 plus students had signed that petition, including the parents also. And अब जो वो petition है, उसमें more than 60,000 students, they have students as well as parents, they have signed the petition and the demand is either to cancel the board exams or to conduct the board exams in online mode for semester 1 for CBSE, ICSE and IAS students. इसके साथ साथ देखो यहाँ पर व्हाट आर द रीजंस दैट आर मेंशन्ड इन द पिटीशन. पहला रीजन ये है कि अभी जो है ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स को कंडक्ट करना दिस इज नॉट सेफ. इसके साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि उस पिटीशन के अंदर है, दैट इज रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स. और इसके साथ साथ जो दूसरा रीजन है कि अभी तक तुमने सारा ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन किया एंड द स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट अगर पढ़ाई ऑनलाइन हुआ सो व्हाई टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस इन ऑफलाइन मोड, दैट टू योर बोर्ड एग्जाम. सी कंडक्टिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑनलाइन दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क ऑब्वियसली. एंड इसके साथ साथ यहाँ पर डेफिनेटली देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दे कांट एफोर्ड ऑल दिस थिंग्स. पावर लाइक काउंसिल ने ऑफिशियल नोटिस में कुछ रीजन था लाइक पावर सप्लाई एंड ऑल रिगार्डिंग द डिवाइसेज. सो अभी तक के लिए तुम्हारा एग्जामिनेशंस ऑफलाइन ही होने वाला है. इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट्स आता है रिगार्डिंग CBSE और ICSE, डेफिनेटली आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू. देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन करने के बदले दे आर बिजी इन डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ पिटीशन, साइनिंग द पिटीशन एंड डिमांडिंग फॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम्स. सो अराउंड 34-35 डेज रह गया. बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें प्रिपरेशन करना है, यू डोंट हैव मच टाइम, सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. इसके रिगार्डिंग तुम्हारा क्या ओपिनियन है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड डू यू वॉन्ट द स्कूल्स टू ओपन, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.